लंबे समय से चकमा दे रहे मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी को जाल बिछाकर धर दबोचा, जिसकी कहानियां बाहर आ गई। अपराधी काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके ही जेल में बंद साथियों को हथियार बनाया। आपको बता दें कि दरअसल 600 शार्प शूटर की फौज वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, दिल्ली की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी के बारे में पता करने के लिए अपने ही मुखबरों के जरिए एक मोबाइल फोन पहुंचाया, जो एक ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई से काला जठेड़ी को लेकर सख्ती से पूछताछ की, पर बिश्नोई ने अपना मुंह नहीं खोला। तब स्पेशल सेल ने एक ट्रिक अपनाई और बिश्नोई की 20 दिन की कस्टडी खत्म होते ही वह जब वापस तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुआ, तो स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए जेल में एक मोबाइल पहुँचाया। लॉरेंस के पास जैसे ही मोबाइल फोन पहुंचा तो उसने जेल के बाहर अपने गैंग के सदस्यों को फोन करना शुरू कर दिया। तभी बिश्नोई ने काला गैंग के बेहद करीबियों के जरिए उसके भी जेल के अंदर से उसने बात की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी यही चाहती थी कि बिश्नोई वही गलती कर गया। वही काला स्पेशल सेल के कब्जे में आते आते रडार से बाहर हो गया। स्पेशल सेल लगातार बिश्नोई के मोबाइल फोन पर नजर बनाई थी। तभी जैसे ही उसने फिर काला जठेड़ी से जेल के अंदर से बात की, तभी सहारनपुर में अमानत ढाबे पर काला जठेड़ी को और रिवाल्वर रानी उर्फ लेडी डॉन अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया।